सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं डाटा से खेल रहा हूँ, वो भी जियो का। एंड इसका इमेज देखो 32, 36, इसके बाद कितना होता है 28। तो भाई ऐसे इमेज आपको देखने को मिलेंगे, 24 भी देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई इसलिए ही मैं थंबनेल में ऐसे लिखा था। तो गाइस मैं सिर्फ यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं पिंग कैसे फिक्स करें यही नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कवर वो भी दूंगा कि अगर मिड गेम में बहुत टाइम ऐसे होता है, गेम खेलने के वक्त आप मैप में अंदर हो, गेम खेल रहे हो, ऐसे वक्त कभी कभी भाई अच्छा पिंग होते हुए फिर भी कभी कभी ऐसे टाइम आते आपका जो पिंग होता है, पिंग भाई हाई हो जाते हैं और कामने का नाम ही नहीं लेते। तो इस टाइम में क्या करें उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको सोल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। और आज का वीडियो पूरा यूनिक होने वाला है। मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बताया हूँ पिंग कैसे फिक्स करें, वो सब आप लोग ना ही देखे हो तो देख लेना, वो भी आपको एक एक तरीका बताया हूँ। और यहाँ पर एक यूनिक तरीके बताने वाला हूँ जहाँ कि आपको बहुत सही हद से आपको जो पिंग है सही हो जाता है, और ये पिंग आपको कम होने से आपका जो लैग है लैग काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो चलो भाई आज का शार्ट आउट देखे स्टार्ट कर। तो भाई सब आज का शार्ट आउट जाते हैं हमारा डीके गेमर YT भाई को, जो लास्ट वीडियो में लिखा था भाई नाइस वीडियो, ऐसे ही वीडियो लाते रहो। थैंक यू भाई, ऐसे ही कमेंट आप लोग भी करते रहो, आपको भी शार्ट आउट मिलता जाएंगे। और चलो भाई फटाफट से हम आज वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात करना चाहूँगा कि गाइस अगर आप लोग BC परचेस करना नहीं है तो उसका ट्रिक तो ऑलरेडी बताया हूँ, फिर भी अगर आपको मुझसे परचेस करवाना है तो इस बारे मुझे इंस्टाग्राम में DM करना, ये वाले देख रहे हो ऐसे ही प्राइस है भाई, इससे मुझे नहीं लगता इससे कम प्राइस में कोई आपको दे पाएंगे। और बहुत भाई स्कैम वगैरह भी होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई स्कैम वगैरह का डर नहीं, तो आप मुझसे BC परचेस करवा सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे DM कर देना। तो चलो असली मुद्दे पे चलते हैं। तो गाइस आज सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, देखो अगर पिंग कम रहना चाहते हो, ठीक है, पिंग आपको कम होना चाहिए, तो दो चीज़ का सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा। ये दो आपको ध्यान में है तो आपको दूसरा और भी ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना हो वो क्या है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है ISP है, ठीक है, यानी कि आपको जियो का है या आपका एयरटेल का है जो भी है, आपको थोड़ा सा आपको जो फ्रेंड वगैरह होंगे आपका आसपास बाजू में रहने वाले होंगे उनसे भाई थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना होगा कि कौन सा सिम सबसे अच्छा है नेटवर्क पकड़ता है। देखो भाई अगर आपका नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल मतलब चलता ही नहीं, ऐसे नेटवर्क से खेलोगे तो भाई आपका कोई भी ट्रिक आपका मोबाइल में काम नहीं आएगा। अगर आपका इंटरनेट चलता ही नहीं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चलता है तो आपको ये ट्रिक कम में आएगा। तो जैसे कि बताया आपको सबसे पहले फ्रेंड वगैरह से पूछना होगा कौन सा वाला आपको सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है, जो भी अच्छा है अगर उसका सिम आपको नहीं है तो आपका सिम आपको पोर्ट कर लेना है, तो ये अच्छा होगा। तो इसके बाद और एक है चीज़ मैं बताने वाला हूँ, यही सबसे ह्यूज डिवाइस है और आप लोग बहुत सुने भी होंगे कि डिवाइस में भाई क्या होते हैं, हमारा बैकग्राउंड में बहुत मतलब बहुत ही हम लोग गेम खेलते हैं तो भाई बैकग्राउंड में बहुत ऐप वगैरह करते रहता है, हमारा नोटिफिकेशन जब आते हैं, देखो आप अगर WhatsApp नहीं चला रहे हो फिर भी कोई आपको मैसेज किया WhatsApp पे, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जब आएगा आपको कहाँ से आते हैं भाई, इंटरनेट के बिना आएगा कैसे SMS, तो आपको इंटरनेट तो वापस चूसेगा ही और आपका जो CPU है CPU भी उसके ऊपर काम करेगा, इसके लिए आपका जो इंटरनेट भी स्लो हो जाता है, आपका लैग भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे आपका जो ऐप वगैरह है उसका फोर्स स्टॉप कर सकते हो। और एक चीज़ सबसे यूनिक चीज़ एक चीज़ आप लोगों को करना चाहिए कि हर बार आप जब भी गेम खेलने आ रहे हो तो एक बार आपको फ़ोन को रिबूट कर लेना, समझ रहे हो, रिबूट का मतलब रिस्टार्ट नहीं भाई, रिबूट कर लेना एक बार, यानी कि एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो क्या होता है आपका जो ऐप वगैरह बैकग्राउंड में चलते हैं काफ़ी कुछ ऐप भाई फोर्स स्टॉप ऑटोमेटिक हो जाता है, और अब बाकी जो ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा कोई ऐप आप यूज़ करते हो तो वो सब ऐप का भाई नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है, या आप भाई फोर्स स्टॉप करके रखो तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, ये सारे आप कर सकते हो। तो आपको इंटरनेट जो भी इंटरनेट आपका स्पीड है सारे के सारे चीज़ आपका गेम के ऊपर डिपेंड होगा। देखो एक तो आपका अगर नेटवर्क सही नहीं होगा उसके ऊपर दूसरी कोई चीज़ आपका नेटवर्क खा रहा होगा तो थोड़ी ना आपका गेम अच्छा चलेगा ना, पिंग तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आप छोटी छोटी बात को तो छोटी बात होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है पिंग कम के लिए, ये सारे की चीज़ भाई ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ मैं आज जो बताया ये आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद जो कि पहले बताया था वो भी देख लेना होगा। आप बताता हूँ भाई आपको मिड रेंज में आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, अब मैच के अंदर हो और ऐसे टाइम आपको पिंग हाई हो गया और 2 मिनट 3 मिनट से या 1 मिनट से ज़्यादा हो गया आपका पिंग लो ही नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन एक है, आपको गेम को बर्न करना है, बैकग्राउंड से हटाना है, हटाने के बाद आपको इंटरनेट का ऑफ करना है और फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करो तो अच्छा होगा, उसके बाद आपको गेम ऑन कर लेना है एक बार फ्लाइट मोड ऑन करके। सबसे अच्छा होता है अगर आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट रिबूट करके ऐसे टाइम में रिबूट करो फिर से इंटरनेट ऑन करो गेम खेलो, इसके पहले अगर आप मार जाओ तो सेफली एक जगह रहना पड़ेगा, उसके पहले आप कहीं पर हो एक जोन के अच्छे से जगह जाओ एंड सेफली एक जगह जाओ जहाँ पर जोन रहेगा 5 मिनट 10 मिनट तक, ऐसे आप लोग समझ लो कि यहाँ पर 5 मिनट
बाद आया तो भाई हम जोन के अंदर ही रहूँगा। ऐसे एक सेफली जगह आप सोए रहो, अगर स्क्वाड खेल रहे हो फ्रेंड को बोलो भाई कवर दो, रिस्टार्ट करना है। तो ऐसे टाइम आपको जाके गेम को एक बार स्टार्ट कर देना, यानी कि आपको रिबूट कर लेना फोन को, फिर से वापस आ जाना है। मुझे पता है ऐसा सही हो जाएगा। क्या होता है ऐसा करने से क्यों सही होता है, क्योंकि कभी कभी आपको जो गेम के सर्वर है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी नेटवर्क का आपका कनेक्शन दिक्कत होता है। तो अगर एक बार आपको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तो ये सब सही हो जाता है एक हद में। आप लोग तो ट्राई किया ही होंगे जब इंटरनेट स्लो हो जाता है तो ऐसा टाइम। तो आप लोग ये तीन चार जो आज बताया ये तीन तक तरीका आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपको सही जो पिंग है काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। लेकिन यही नहीं, आपको इनके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो डिटेल्स में वीडियो और भी मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो डिटेल्स का वीडियो। ये तो मैं कुछ ऐसा बताया जिन लोगों को भाई अच्छा सा जो पता नहीं होता कुछ भी, भाई बैकग्राउंड में गेम रख के दूसरे चीज़ करते हैं, एक बार ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं फिर गेम खेलने आ जाते हैं, ऐसा लोग के लिए बताया। और एक अच्छे से इंटरनेट तक तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो पिछले वाले वीडियो को देख लेना, और भी दो तीन वीडियो है चैनल में, वो वाला चीज़ देख लेना, आपको काफ़ी काम में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको क्या करना चाहिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे चैनल में मुझे पता है कुछ बिना दिमाग वाला लोग रहता है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, गाली ही देते हैं सर। तो उन लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लाइक करके चले जाओ यहाँ से, और जो लोग भाई पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर सकते ना। एंड चलेगा जॉइन चाहिए लाइक।